Hello students, myself Vijay Kaushik, your economics teacher, welcomes you all to the online classes. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके हैं हम, जिस सीरीज में आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है आज का रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमें जानना है कि रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं और क्यों आए। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हमने पिछली क्लासेस में प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ी थी, जिसमें हमने ये जाना था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सी कमियां थी और उन कमियों को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में, ये पॉइंट भी हमने पहले पढ़ा। तो ये जो समस्या थी, प्रॉब्लम्स थी, इनको दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए थे जिन्हें हम रिफॉर्म्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। अब पहले तो ये समझ लेते हैं रिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली रिफॉर्म दो वर्ड से जुड़ के बना है, री प्लस फॉर्म। तो रिफॉर्म का मतलब होता है, फॉर्म का मतलब आपको पता है, किसी चीज को रूप देना। रिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से नया रूप देना। तो पहले जो पॉलिसीज बनाई थी उन पॉलिसीज में कुछ कमियां थी, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ना कुछ समस्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए जितने भी पॉलिसीज थी उनको रिफॉर्म कर दिया गया, उनको एक नया रूप दे दिया गया। तो ये रिफॉर्म्स कौन कौन से थे, जनरली इनको हम तीन हेड्स में पढ़ते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो तीन रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जिसे हम लैंड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, और तीसरे है जनरल रिफॉर्म्स। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे, बाकी के जो दो रिफॉर्म्स है उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इन रिफॉर्म्स के साथ इनके कुछ सब पॉइंट्स भी दे रखे हैं, जो बेसिकली ये बता रहे हैं कि रिफॉर्म्स के अंडर क्या क्या कदम उठाए गए। तो आज की क्लास में हमें सिर्फ टेक्निकल रिफॉर्म्स पढ़ने हैं, उसे स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि टेक्निकल रिफॉर्म्स का क्या मतलब है। टेक्निकल रिफॉर्म्स का मतलब है वो रिफॉर्म्स जो बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी किसकी, एग्रीकल्चर से, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी, जिस टेक्निक्स की जरूरत होती है, उनमें जो भी बदलाव लाए गए वो बेसिकली पार्ट है टेक्निकल रिफॉर्म्स का। इसमें आपको चार से पांच पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है आपका यूज ऑफ HYV seeds that are high yielding variety seeds। सबसे पहला पॉइंट है यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब ये क्या सीड्स हैं? देखिए, पहले के समय में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की जाती थी, कन्वेंशनल प्रैक्टिस थी, यानी कि फसल को बोने के लिए क्या क्या करते थे, नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते थे, जो कि हेल्थ के लिए तो काफी अच्छी थी विदाउट एनी डाउट, बट उनसे प्रोडक्शन पे ज्यादा बेनिफिशियल असर नहीं पड़ रहा था, यानी उनसे प्रोडक्शन ज्यादा ग्रो नहीं हो पा रही थी। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कदम उठाए, ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए जिसके कारण वो ये चाहते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो, जिसमें से एक कदम क्या था, HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब ये सीड्स कौन सी है, ये स्पेशल टाइप की सीड्स है, जो नेचुरल सीड्स होती है, नॉर्मल सीड्स होती है उनसे अलग है, इन्हें साइंटिफिक तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। बेसिकली ये ऐसे सीड्स हैं जिनसे आउटपुट ज्यादा आती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। इनका नाम ही है हाई यील्डिंग, यानी कि जो हाई रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इस पॉइंट को डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट बताता है 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया था HYV सीड्स को, जिसने कन्वेंशनल जो सीड्स थे उन्हें रिप्लेस कर दिया था। 1965 में करने का मतलब यह है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, आपने बहुत बार सुना है ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉइंट, हालांकि इस ग्रीन रेवोल्यूशन के टॉपिक को हम डिटेल्ड में बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो आपका पहला रिफॉर्म है, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसे 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और स्टार्टिंग में से नॉर्दर्न इंडिया, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन एरियाज में इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। और स्टार्टिंग में ग्रीन रेवोल्यूशन
हर प्रोडक्ट के लिए नहीं किया गया था, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उनके लिए नहीं किया गया था, ये बेसिकली सात प्रोडक्ट्स के लिए हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई थी। वो सात प्रोडक्ट कौन से हैं? व्हीट, बाजरा, मेज, राइस, मेज दो बार आ गया है, ज्वार एंड कॉटन। सो बेसिकली छह हैं। इन छह एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए ही हाई लिक्विडिटी सीड्स इंट्रोड्यूस की गई थी शुरू में ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। बेसिकली ये वो क्रॉप्स हैं जो कि कंजम्पशन के लिए जरूरी है। सो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि 1965 में इंट्रोड्यूस की गई थी जिसे कन्वेंशनल सीड्स को रिप्लेस कर दिया। बेसिकली दिस आर पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। स्टार्टिंग में छह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए ही इंट्रोड्यूस की गई थी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एक कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश कर दी थी जिसका नाम था नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जिसका मेन काम था कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को ग्रो किया जाए, उनको डेवलप किया जाए और लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर दी गई थी। लास्ट पॉइंट देखते हैं कि 2016-17 की अगर हम बात करें, डाटा अगर आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो 620,743 यानी 620,743 क्विंटल्स ऑफ सर्टिफाइड सीड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी 2016-17 तक इतने क्विंटल सर्टिफाइड सीड्स किसकी बात हो रही है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की, इन्हें देश भर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा, पहला रिफॉर्म क्या था? वो था टेक्निकल रिफॉर्म्स में यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। आइए अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें टेक्निकल रिफॉर्म्स में, तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। पहला पॉइंट हमने पढ़ा HYV सीड्स को यूज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकंड है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया। इससे पहले जो प्रोडक्शन होता था उसमें फर्टिलाइजर्स के रूप में एनिमल मैन्योर्स को यूज किया जाता था, एनिमल वेस्ट जो है उनको यूज किया जाता था, फर्टिलाइजर्स को यूज कम किया जाता था। लोगों की ये धारणा थी, हालांकि कुछ हद तक ये ठीक भी है, कि फर्टिलाइजर्स जो है वो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। लेकिन अगर एक रेगुलेटेड फॉर्म में फर्टिलाइजर्स यूज किए जाएं तो वो हार्मफुल भी नहीं होंगे और उनसे प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। देखिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल प्रोडक्शन पे बहुत अच्छा होता है, यानी कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। एक डाटा जिसको और अच्छे से प्रेजेंट करता है वो ये है कि 2017-18 तक लगभग 270 लाख टन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वर यूज्ड। यानी कि अगर 2017-18 तक बात करें तो 270 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए गए हैं। इसका मतलब जो कदम उठाया गया है रिफॉर्म, ये काफी हद तक सक्सेसफुल है। तीसरा अगर हम पॉइंट देखें, तीसरा रिफॉर्म क्या है, तो वो था यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब तक हमने जो पहले के दो पॉइंट देखे थे वो थे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के। एक समस्या जो फार्मर्स को फेस करनी पड़ती थी वो ये थी कि प्रोडक्शन तो फिर भी कर लेते थे कैसे जो फार्मर्स थे, लेकिन समस्या ये आ जाती थी कि उनकी प्रोडक्शन पूरी तरीके से ग्रो होने से पहले ही खराब हो जाती थी। वो कीड़ों के कारण हो सकती थी, कई इंसेक्ट्स होते तो फसल को खराब कर देते, या किसी और रीजन के कारण। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे कदम भी उठाए जाए जिससे जो फसल है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया, लोगों को उसके बारे में एजुकेट किया गया किसका यूज बेनिफिशियल होता है, इसे यूज करें। आइए डाटा की बात करें तो 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स वर एस्टेब्लिश। यानी कि 14 सेंटर्स ऐसे एस्टेब्लिश किए गए थे जिनका काम मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि प्लांट प्रोटेक्शन को जो है सफल बनाया जाए। तो ये हमने अब तक तीन पॉइंट्स पढ़ लिए हैं जो टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या क्या इंक्लूडेड थे। चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है, मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन। इसका मतलब ये है कि पहले जो कल्टीवेशन होती थी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की जाती थी, वो अनरेगुलेटेड फॉर्म में की जाती थी। ऐसा ही हमने कुछ पिछली क्लास के लास्ट पॉइंट में पढ़ा था कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम था। तो गवर्नमेंट ने कोशिश ये की कि एक रेगुलेटेड सिस्टम, ऑर्गेनाइज सिस्टम अपनाया जाए। उसमें एक समस्या होती है फाइनेंस की, जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की जाती है फाइनेंस की बहुत बड़ी समस्या होती है कि लोगों के पास पैसे की कमी होती है, तो फाइनेंस के लिए वो जनरली नॉन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर के पास जाते हैं।
जो कि उनका एक्सप्लोइटेशन करते हैं। तो इन समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने देखिए क्या क्या आरआरबीज कमर्शियल बैंक्स जो फाइनेंस की समस्या को दूर करने के लिए किया गया था। उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्रिएट की गई जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को आसान बनाती है, दूसरे की हेल्प की जा सकती है जिसकी मदद से। एग्रो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन जिसका मेन मकसद था एग्रीकल्चर सेक्टर को मोटिवेट किया जाए, डेवलप किया जाए। सो बेसिकली एक रेगुलेटेड मार्केट तैयार की गई, एक रेगुलेटेड सेक्टर तैयार किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जिसका मेन काम ये था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर की ना। हमने चार पॉइंट्स देख ली है, आइए पांचवा पॉइंट देखते हैं क्या है। तो लास्ट पॉइंट टेक्निकल रिफॉर्म्स में है, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। सो बेसिकली ये पॉइंट क्या बता रहा है, देखिए जो पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी वो की जाती थी ट्रायल एंड एरर मेथड पे, यानी चीजें पहले की जाती थी, फिर अगर वो फेल होगी तब सबक आता था कि अच्छा ये चीज तो कामयाब नहीं होगी। सो बेसिकली उसमें प्रोडक्टिविटी कम होती थी क्योंकि इनएफिशिएंसी थी काम। अब गवर्नमेंट जोर दे रही थी साइंटिफिक फार्मिंग। साइंटिफिक कल्टीवेशन का मतलब होता है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज साइंटिफिक तरीके से की जाए। साइंटिफिक तरीके का मतलब होता है कि चीजें इस तरीके से फॉलो की जाएगी जो पहले वेरीफाई की जा चुकी हैं कि ये चीजें कामयाब होंगी या नहीं होंगी। सो बेसिकली उस काम में एफिशिएंसी आती है, वेस्टेज कम होता है। बेसिकली साइंटिफिक कल्टीवेशन में देखिए क्या क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप, यानी कि पहले डिसाइड किया जाता है कि किस क्रॉप का प्रोडक्शन किस जमीन के लिए सुटेबल है और उसके लिए कौन सी क्वालिटी की क्रॉप चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, जमीन को पहले तैयार किया जाएगा जो क्रॉप कल्टीवेट करनी है उसके अकॉर्डिंग ताकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। रोटेशन ऑफ क्रॉप, एक साइंटिफिक अप्रोच ये भी होता है कि अगर क्रॉप को रोटेट किया जाए तो उससे जो जमीन होती है उसकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है। फोर्थ सिलेक्शन ऑफ सीड्स, किस सीड का इस्तेमाल होगा वो भी साइंटिफिक तरीके से सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि सारे के सारे अप्रोच इसमें साइंटिफिक है जिसमें काम में एफिशिएंसी है। तो ये तो थे टेक्निकल रिफॉर्म्स जो हमने पढ़े, बेसिकली तीन टाइप के रिफॉर्म्स हैं जिसमें से हमने आज की क्लास में केवल टेक्निकल रिफॉर्म्स पढ़े हैं। अगली क्लास में हम लैंड रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स को जानेंगे। टेक्निकल रिफॉर्म्स में हमने पांच पॉइंट पढ़े, होपफुली आपको सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।